दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मशीन जब अपन चलाते हैं तो नीचे का धागा बार बार तोड़ देती है, उसका क्या कारण है, उन कारणों को जानें और उस अपनी मशीन को घर बैठे ही सही करें। वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि मशीन में धागा क्यों नीचे का टूटता है और उसको अपन घर बैठे ही किस तरह सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए अपन करने के ये प्लेट हटा के इसकी बॉबिन, जो डिब्बी और बॉबिन होती है, इनको निकाल लेते हैं। इसका धागा चेक करते हैं कि ये धागा लूज है या टाइट तो नहीं है। इस तरह से ये थोड़ा सा मेरे को टाइट लग रहा है। इसको इसी की बॉबिन से, जैसे कि जिससे अपन धागा भरते हैं इसे बॉबिन कहते हैं, बहुत टाइट है, इसी से इस वाले स्क्रू को, यहाँ पे स्क्रू है, इस स्क्रू को लूज कर लेते हैं। इस तरह से इसको स्क्रू को आधी चूड़ी लूज कर ले और फिर देखें कि धागा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके लिए आप मशीन की कोई भी ख़राब बॉबिन यूज कर सकते हैं। अब ये धागा इजी वे में आ रहा है। अब दोस्तों दूसरा कारण होता है, नाल को खोल लेते हैं। नाल में क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से नीचे का धागा टूटता है। ये मैं मशीन को एक साइड रख देता हूँ। इसमें दोस्तों ये वाली एक पत्ती होती है जो कि धागे को आउट साइड जाने से सपोर्ट को रोकती है, यानी कि आउट नहीं जाना चाहिए धागा। इसमें भी कई बार क्या होता है, सुई टूटने के कारण यहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं। एक चीज़ तो ये हुई, ये वाले स्क्रैच आए हुए इधर से देखें। इन स्क्रैचों की वजह से, क्योंकि धागा जब इसमें चलता है तो इससे टच होता है, इससे में टच होता है, इससे में टच होकर यहाँ होके धागा ऊपर निकलता है। तो यहाँ पर भी धागे की ये वाला हिस्सा जो पूरा होता है, यहाँ पर धागा कहीं पे भी चलते वक्त जैसे स्पीड से चला रहे हैं तो इधर भी टच हो जाता है, इधर भी टच हो जाता है और वो थोड़ा सा स्क्रैच आने पर भी टूट जाता है। इसको आप घर में ये सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध होती तो मार्केट से 5 या 10 रुपये का एक रेगमाल आता है बिल्कुल महीन वाला, वो वाला रेगमाल ले आए, या कोई ऐसा स्टोन हो जो आपके पास, इस पर अगर रगड़ लगाएं तो रगड़ लगाने से इसको भी अपन सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास रेगमाल है, मैं रेगमाल से बता रहा हूँ आपको। इसके लिए दोस्तों कपड़े वाला पतला रेगमाल आता है, कागज़ का भी आप ले सकते हैं, बाकी कपड़े वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका नंबर होता है J287। ये बिल्कुल बहुत महीन और बिल्कुल सॉफ्ट रेगमाल है। इस रेगमाल को इस तरह से मैंने ये टुकड़ा काट रखा है उसमें से, तो ये 10 रुपये का आता है बाज़ार में। इस तरह से इसको फोल्ड कर लें और इस वाले हिस्से को ये शटल में बाहर निकाल देता हूँ। इस वाले हिस्से में जो स्क्रैच पड़े हुए हैं, ये वाले स्क्रैच पड़े हुए हैं, इन स्क्रैचों को दूर करने के लिए ऐसे फोल्ड करके और इसको इस तरह से घिसे और इस ये क्रिया अपन को कब तक चलानी है, जब तक कि ये स्क्रैच बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। इसको जब तक घिसते रहें जब तक कि ये मतलब स्क्रैच ख़त्म नहीं हो जाए। और ये अब स्क्रैच ख़त्म हो गए, इसमें अगर किसी में ज़्यादा होते हैं तो भी आप इसको तब तक घिसते रहें जब तक कि ये साफ़ नहीं हो जाए। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला एरिया आता है। यहाँ पर भी मशीन का जो धागा जब अपन चलाते हैं तो यहाँ पर भी टच होता है, तो इस एरिया को भी, इस जगह को भी अपन रेगमाल को इस तरह से सीधा कर लें और इस तरह से उंगली से इस तरह से इसको ऐसे साफ कर लें। और ये भी जब तक साफ करना है जब तक यहाँ पे कोई स्क्रैच या गंदगी या कोई भी टचिंग ना रहे, यानी कि हाथ इस उंगली इस तरह से लगाने से आपको लगना चाहिए कोई भी मतलब इस तरह से आपको कोई रड़क नहीं आ रही है या रोक नहीं आ रही है, एक तरीका ये हुआ। इसके बाद दोस्तों आता है ये वाली जो पत्ती होती है, जब अपन मशीन चलाते हैं और कई बार सुई टूट जाती है, इसके कारण भी नीचे का धागा कटता है क्योंकि धागा इसी में होकर ऊपर आता है। या तो इसको आप रेगमाल की सहायता से घिस लें, अगर ऐसा नहीं करते
तो ये 5 या 10 रुपए की मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोनों स्क्रू खोले, ध्यान रखें अपन को इसी तरह से इसको लगाना है जैसे कि ये लगी हुई है। इस तरह से दोस्तों ये पत्ती भी चेंज कर सकते हैं। मैंने मार्केट से ये पत्ती ला के रख रखी है। इस पत्ती को ये दोनों स्क्रू खोलना है, किस तरह ध्यान रखना है आपको। ये कई कई भाई क्या करते हैं, इस तरह से पत्ती को लगा देते हैं, जैसे ये इस तरह से लगा दिया तो ये उल्टी हो जाएगी। पत्ती को ये ध्यान रखना है कि जो नाल है नाल के ऊपर इस तरह से ही लगाना है। अब पत्ती सही लगी या नहीं लगी उसका भी रीज़न देखें। जब अपन नाल मशीन में इस तरह से लगाते हैं, ये नाल इस तरह से होती है, ये ध्यान रखना है पत्ती में। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पत्ती के अंदर ये गैप होता है, यानी कि पत्ती को आगे या पीछे आउटसाइड सरकाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है। तो आप जब अपन इसको इस तरह से लगाएंगे तो इसको बैक साइड, यानी कि जिधर से आप इसको लगा रहे हो या मशीन का भाग जहाँ से आप बैठ के मशीन चलाते हो उस हिस्से से आउटसाइड यानी सामने की वाली साइड में इसको पूरी तरह खिसका के लगाएं इस तरह से, जिससे ये पूरी तरह सही लगेगी। और आप ये पत्ती चेंज करके भी अपने नीचे को जो धागा तोड़ती है उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ये वाली, अपने मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बॉबिन का हो गया। अब अगर इन कारणों को करने के बाद भी आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ती है तो बहुत अच्छा है। अगर वो तोड़ती है फिर भी तोड़ती है तो आप कहीं भी किसी भी बात की या टेंशन ना करें। इसमें जो नीचे का अंदर का जो भाग होता है जिसको कि अपन सेटल कहते हैं, अंदर का भाग जो होता है उसको हम सेटल कहते हैं। और सेटल को चेक कर लें। सटल को चेक करने का तरीका, यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। इस तरह से उंगली को अपन अगर इस पर लगाते हैं तो हमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए कि किसी तरह की रुकावट हो रही है। दूसरा, इस वाले हिस्से में भी जो नोक का ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से पे भी इस तरह से अपन उंगली लगा के देखें, कोई भी अगर नहीं आ रही है रुकावट तो आपकी सटल सही है। अगर फिर भी आपकी मशीन धागा तोड़ना नहीं मानती, नहीं रुकता है, तो उसमें आप दोस्तों छोटा सा काम करें कि एक नई शटल लाएं। ये मार्केट में 120 से 150 रुपए तक मिलती है। इस शटल को लाके इस तरह से इसमें सेट करें और इसको नई शटल चेंज कर दें, और कोई तरीका नहीं है। अगर शटल लगाने में भी आपको प्रॉब्लम आती है, मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि शटल किस तरह से लगाई जाती है, और आप इस समस्या से जो नीचे का धागे तोड़ने की समस्या है इससे बिल्कुल परफेक्टली निजात पा सकते हो। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद, इसमें सेटल सही है, बाकी सारी क्रिया मैंने आपको बताई, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ और चला के दिखाऊंगा मशीन। दोस्तों मैं इसको कस लेता हूँ मशीन में सेट करने के बाद, और मशीन किस तरह चल रही है आपको बताऊँगा। कोई भी धागा नहीं तोड़ रही है। दोस्तों नाल को कस दिया है, ये डिब्बी लग गई। अब मैं आपको धागा लेके और चला के बताता हूँ। ये ऊपर की सिलाई है और ये नीचे की सिलाई है। मशीन किसी भी तरह का धागा नहीं तोड़ रही है, कोई टाप नहीं दे रही है। इस तरह से आप घर बैठे ही अपनी मशीन को जो नीचे का धागा तोड़ने की वाली समस्या है उस समस्या से निजात पा सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों नीचे के धागा तोड़ने की समस्या मैंने आपको समझाई, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अनुग्रहित करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।